आपका HT न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए HT। क्या आरोप है आपका? कल मैं SIT गई थी, वहाँ मेरे बलात्कार की रिपोर्ट के बारे में मैंने सब कुछ बताया, जो कि मैं 0 FIR दिल्ली में कर चुकी हूँ। उसका मुकदमा अभी UP में नहीं लिखा गया है, शाहजहाँपुर UP में नहीं लिखा गया है। 376 मेरी कायम नहीं करी जा रही है यहाँ शाहजहाँपुर के अंदर। क्या आरोप है चिन्मय अनंत पर? उन्होंने मेरा बलात्कार किया है, शारीरिक शोषण 1 साल तक करते आए हैं। बाकी मैं सब वहाँ कल बचा बता चुकी हूँ। देखिए, मेरी जिस लड़की का साल भर शोषण हो गया उसको 11 घंटे बैठाल के पूछताछ करी गई है। मुझे कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरीके के सवाल जवाब, लेकिन जो आरोपी है उसको तो गिरफ्तार किया जाए। मैं इतने दिनों से जान बचाए बचाए घूम रही थी, यहाँ शाहजहाँपुर के DM ने मेरे पापा को धमकी दी कि आप देख लीजिए कि आप किसके खिलाफ FIR कर रहे हैं। जब आप बाहर थी तो आपने पुलिस की मदद क्यों ली? UP पुलिस से खतरा है बस, इसलिए मुझे दिल्ली में 0 FIR करवानी पड़ी। आप दिल्ली में रही, राजस्थान में रही, तो वहाँ आपने शिकायत की पुलिस से? क्या कुछ एविडेंस भी आपने सौंपे हैं? एविडेंस सही समय आने पर दे दिए जाएंगे। मेरे पास सब सुरक्षित हैं, हॉस्टल के रूम में, मेरा हॉस्टल का रूम खिलवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जो आपकी मुलाकात हुई थी, तो आपने उनको कुछ एविडेंस दिखाए थे, दिए थे? उस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना। दिल्ली में क्या कुछ शिकायत की आपने? दिल्ली में हुई है, कड़कड़डूमा कोर्ट है, वहाँ पे हुई है। 376 दिल्ली में कौन से थाने मुकदमा दर्ज कराया है? मोदी कॉलोनी है, मोदी कॉलोनी। अच्छा, जो आपके पिताजी ने FIR कराई थी अपहरण की, क्या आपने ऐसी बात की कोई? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं। यूपी पुलिस आपकी क्यों रिपोर्ट नहीं लेकर आई? और न्याय की कितनी उम्मीद है? खुद स्वामी चिन्मयानंद के शब्द हैं कि शाहजहाँपुर मेरा लॉ कॉलेज, हर साल कितने वकील यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, कानून व्यवस्था पूरी उनकी है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मुझे शाहजहाँपुर और UP, बस आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा आप लोग यहाँ पे 376 का मुकदमा प्लीज लिखवाइए। क्या वो वीडियो आपने बनाया था या किसी और ने बनाया था आपका, जो आपने वायरल किया था? कौन सा वीडियो? फेसबुक वाला जी। तो मैंने अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए करा था। कुछ और वीडियो भी बाहर आने की बात आ रही है, इसमें कितनी सत्यता है? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। अच्छा, स्वामी की तरफ से कोई दबाव पड़ रहा है? स्वामी पर मेरे पास कोई फोन नहीं है इस टाइम, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना बस इस बारे में। आप लोग इतना करिए कि 376 का मुकदमा इस थाने में करवाइए, 0 FIR का कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, आप लोग खुद समझ रहे हैं इस चीज़ को। मेरे पापा को धमकी दी है यहाँ के DM ने, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई ना। मेरा भागना, मेरी जान बचाना कई हद तक तो सब सही है ना, आप लोग खुद देख रहे हैं इस चीज को। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी। आप न्याय की कितनी उम्मीद है आपको? न्याय की कितनी उम्मीद है? बताइए कि किस स्वामी जी ने आपको कोई धमकी दी है क्या? स्वामी जी ने धमकी दी है? हाँ, मेरे और मेरे परिवार को जान से मार दी। स्वामी जी ने जिस दिन एक्सटॉर्शन की FIR कराई थी, उसके अंदर ही आपने वीडियो क्यों बना दिया? पहले भी आप पुलिस के पास जाके शिकायत कर सकते थे। कौन सी वीडियो? हाँ, तो वो आप किस बारे में बात कर रहे हैं? स्वामी जी ने जिस दिन FIR कराई थी एक्सटॉर्शन की, उसके नेक्स्ट डे आपका वीडियो आता है। स्वामी जी की कौन सी FIR? कौन सी FIR? उन्होंने रंगदारी हाँ, तो आप लोग उसकी भी जांच करवाइए ना। मुझे इस बारे में कुछ नहीं नॉलेज है, कहाँ से ये सब क्या हो रहा है। आपका 24 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद स्वामी जी के वकील की तरफ से एक एक्सटॉर्शन मनी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया गया था यहाँ पर, 5 करोड़ रुपए की उनसे व्हाट्सएप पे मैसेज द्वारा एक फिरौती मांगी गई है। तो क्या वो आरोप आप पर लगा रहे हैं, इस बारे में कितनी जानकारी है? कि जब जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, पहली बात तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैं जन्माष्टमी पे अपने घर नहीं आई थी, फैमिली वाले मेरे बारे में कुछ सोचते कि मेरी लड़की कहाँ गई, क्या हुआ, इसलिए मैंने वो वीडियो वायरल करी अपनी फैमिली की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए। संजय सिंह भाई है मेरा। हाँ, थे साथ में। SIT से न्याय मिलने कितनी उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, और आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से तो मैं ढूंढ पाई ना। ये बताइए, जैसे वीडियो में आपने कहा था कि कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है, हाँ। और भी इसमें शामिल लड़कियां? बहुत लड़कियां हैं,
कितनी है हो सकती मैं अकेली निकली जिसने उनके खिलाफ इतनी हिम्मत जुटाई है कि आवाज उठाई है। कितनी लड़कियां और हैं जो इस तरीके से जो है वो हरासमेंट हो रहा है उनका, यूं छोड़ मैं और लड़कियों के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। एक बड़ा सवाल आ रहा है, कॉलेज और आपके घर के बीच बहुत कम दूरी है, लेकिन हॉस्टल में रहने की क्या वजह है? स्वामी जी ने खुद कहा था ऐसा हुआ, मैं वहाँ पे जॉब करने नहीं गई थी, मैं वहाँ LLM का एडमिशन लेने के लिए गई थी, तो स्वामी जी ने जॉब का ऑफर दिया था, फिर उन्हीं के कहने पर या जो भी है प्रिंसिपल मेरे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव का काम ज़्यादा डालने लगे थे, तो उनके बहुत अधिक दबाव पर मैंने वहाँ हॉस्टल में रूम लेके डाल दिया था, बाई चांस मुझे रुकना पड़ा उसके साथ, उसके बाद मेरे साथ बहुत गलत हुआ है वहाँ। साजिश के तहत आपको किया गया ये सब? हाँ, स्वामी चरण बीजेपी के बड़े नेता, इसलिए पुलिस दबाव में काम कर रही है। बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि अच्छा हुआ आपने कह दिया। संजय सिंह बताते हैं कि SIT को उन्होंने पूछा कि उन्होंने तमाम एविडेंसेस दिए हुए हैं, आपसे जुड़े हुए और स्वामी सिग्नल भवन में हुए, क्या है क्या करते हैं आप? उन्होंने जो दिए हैं वो उनसे मैं समझे, ठीक है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। DM ने धमकी कब दी थी? मेरे पापा ने मुझे बताया था दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जब मैं आ गई थी, उसके अगले दिन पापा आए थे मुझसे मिलने, पापा ने मुझे बताया था कि DM ने पापा को धमकी दी है।